नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो को लेकर। पटना में मेट्रो की शुरुआत लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। सरकार से लेकर आम लोगों का बस यही लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शुरुआत कर दी जाए। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के दोनों फेज में कार्य जारी है। बीच में कोरोना महामारी के दौरान इसके निर्माण काज में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे तय समय पर पूरा किया जाए। आपको बता दें कि पहले फेज के तहत दानापुर से खेमनीचक वाया मीठापुर होकर मेट्रो चलेगी, तो वहीं फेज टू के तहत पटना जंक्शन से ISBT वहां गांधी मैदान होते हुए मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। बता दें कि अशोक राजपथ में मेट्रो निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि इन इलाकों में मिट्टी जांच का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले फेज के निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज का निर्माण कार्य साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस फेज में एलिवेटेड ट्रैक 7.393 किलोमीटर का होगा, वहीं अंडरग्राउंड स्टेशन 10.540 किलोमीटर का होगा, जिसमें दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा खेमनीचक शामिल है। वहीं 6 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, जिसमें कि रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन शामिल है। पटना मेट्रो के फेज टू के तहत 14.564 किलोमीटर का काम होना है, जिसमें कि फेज टू में दर्जन भर स्टेशन में 5 एलिवेटेड सड़क है, जिसमें से कि मलाई पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और पाटलिपुत्र ISBTC स्टेशन शामिल है। वहीं 7 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, जिसमें पटना जंक्शन, दूरदर्शन केंद्र, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, राजेंद्र नगर और मोइनुल हक स्टेडियम। फेज टू के तहत 14.564 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक तैयार होगा, जिसमें कि एलिवेटेड ट्रैक 14.638 किलोमीटर और भूमिगत ट्रैक जो है 7.926 किलोमीटर का होगा। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के MD विकास कुमार ने पटना का दौरा किया, जिसमें कि पटना मेट्रो की स्थिति के बारे में जाना। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD सह नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान खासकर जायका फंड टाइप निजी भूमि व अधिग्रहण के अन्य फंड के संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। इस मुलाकात के दौरान पटना मेट्रो के MD आनंद किशोर ने आश्वासन दिया कि डिपो की भूमि जल्द ही अधिग्रहण में लाई जाएगी। जायका एंड टाइप के लिए अध्ययन समूह के साथ नियमित बैठक को लेकर भी उन्होंने बताया। अब इसको लेकर जायका के साथ बातचीत की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में चल रही है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी इस दौरान दी। मार्च 2023 तक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावनाओं पर उन्होंने जोर दिया। बैठक में पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन के समय पर निर्माण किए जाने का ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया गया। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 तक पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू किया जा सकता है। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य को लेकर आम लोगों के बीच में खासा दिलचस्पी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मेट्रो का निर्माण कार्य किया जा सके। खास करके अगर हम इस इलाके की बात करें, जिसमें कि खेमनीचक, मलाही पकड़ी का वो इलाका आता है, इसमें अगर निर्माण कार्य को लेकर अभी यातायात में थोड़ी परेशानी है, लेकिन उम्मीद लोगों के दिलों में इस बात की भी खुशी है कि इन इलाकों में मेट्रो का परिचालन बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।